में फरार स्क्वाडर पर ब्रिगेडियर लिटन को अंतिम विदाई, रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जनरल विपिन रावत को इंडियन आर्मी का सलाम, ट्वीट कर लिखा, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। भारत में पूरी तरह वैक्सीनेट हुए 18 से अधिक उम्र वाले 53.0% लोग। देवस्थानम एक्ट निरस्त करने को आज पेश होगा विधेयक, सत्र हंगामेदार रहने के आसार। कांग्रेस के दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, हरीश रावत बोले, जनरल रावत के गांव तक पहुंचाएंगे सड़क। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है जो कि हंगामेदार रहना तय है। कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और दैवीय आपदा समेत विभिन्न मुद्दों पर सदन के भीतर कांग्रेस आक्रामक रुख के साथ सरकार को घेराबंदी करेगी। सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक मांगों के अलावा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने समेत 8 विधेयक सदन में पेश होंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य में इसे वापस लिया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी पुनर्जीवित विधेयक सदन में रखा जाएगा। चंपावत टनकपुर में कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक हेमेश खरकवाल और उनके कार्यकर्ताओं ने जनरल विपिन रावत और सैनिकों को हेलीकॉप्टर में निधन होने से कांग्रेस कार्यालय से लेकर तुलसी चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और भूतपूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने कहा कि हम अपने देश का एक अनमोल रत्न खो दिया है जिन्होंने देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे हैं। उनके इस तरह शहीद होने से देश को बहुत बड़ा धक्का लगा है। कैंडल मार्च में भूतपूर्व विधायक हेमेश खरकवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला गहतोड़ी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनिल चौधरी, अनिल प्रसाद सिन्हा, यूथ कांग्रेस और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जिन्होंने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। धनौरी पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र सैनी, जहां पहुंचने पर सैनी समाज के लोगों ने सुरेंद्र सैनी का जोरदार स्वागत किया। वहां के लोगों का कहना है कि इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आने वाले चुनाव में सरकार बदलने का काम किया जाएगा और बसपा पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। वहीं सुरेंद्र सैनी का कहना है कि विधानसभा पिरान कलियर में विकास की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। देखिए 2022 में चुनाव में विकास के नाम पे लड़ूंगा, रोजगार के नाम पे लड़ूंगा। जो यहाँ से पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, अभी तो पूर्व नहीं कह सकता, वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही, और जब वो इस बात को एक दिन इंटरव्यू में कह रहे थे कि कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत विकास किया, क्यों भाई, कलियर विधानसभा में इतना क्षेत्र था, कौन सा उसने इंडस्ट्री लगाई यहाँ पे, कौन सा उद्योग यहाँ पे लगाया जो यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। कलियर विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता आदेश सैनी ने अपनी दावेदारी कर रहे और साथ ही अपनी विधानसभा कलियर के गांव गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हमारे संवाददाता ने चुनाव को भाजपा नेता से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे प्रत्याशी का चयन संगठन करता है और संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन जिसको देगा टिकट उसके लिए कार्य करेंगे और मैं भी संगठन से मांग कर रहा हूँ कि मुझे भी इस बार एक सेवा का मौका दिया जाए। वैसे जो संगठन करेगा वो मान्य होगा और मैं काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे जनसंघ से और दीपक चुनाव निशान होता था और बहुत अच्छे।
पिरान कलियर के गांव मरगूपुर में चुनाव से पहले हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की और ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा सरकार में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इस सरकार में परिवार का पालन पोषण करना भारी हो गया है और ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले चुनावों में हम कांग्रेस सरकार को लाएंगे। चलिए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों की राय, आखिर वो किस सरकार के काम से खुश हैं और फिर से किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, नौशाद अली आपके साथ। आज बात करते हैं विधानसभा पिरान कलियर के मगरूपुर ग्राम से। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्या कार्यकाल रहा, क्या विकास रहा यहाँ का, गांव की सड़कें कैसी है कैसी नहीं, उनके बारे में आज इनसे बातचीत करेंगे। बताइए गाँव की जनता। जी बताइए। जी भाई, सड़कें जो सड़कें सब बंद भाया दी थी और ये जो पैंप पड़ा यहाँ से, पैंप की वजह से सड़क ऐसी दी गई जाने खराब हुई। जो विधायक है वो 10 साल गुजर चुके हैं उनके उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा विकास हुआ कैसा नहीं? उनका काम अच्छा लगा, यहाँ क्षेत्र में यहाँ हमारे प्यार का क्षेत्र और यहाँ तो अस्पताल बनवाए, बहुत काम हो रहा है। हमने बस उसे विधायक बनाऊंगा यहाँ से कांग्रेस वोट। ठीक है। रुड़की के मंगलौर इकबालपुर रोड पर धर्मपुर गांव के यात्री स्टैंड के नीचे खड़े दो लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंगलौर इकबालपुर रोड पर जाम लगा दिया। यह हादसा तब हुआ जब ग्रामीण यात्री स्थल के नीचे पंचर बनवा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने यात्री स्थल में जोरदार टक्कर मार दी जिसके बाद यात्री स्थल धड़धड़ाकर वहां खड़े लोगों के ऊपर गिर गया जिसके नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभी सबसे प्रथम तो यह है कि सीओ साहब यहाँ आ रहे हैं और जैसे ही सीओ साहब यहाँ आएंगे उनसे बात होगी, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है कि रिपोर्ट दर्ज होगी इनके खिलाफ, जो गुनाहगार हैं वो पकड़े जाएंगे। बहुत गलत है, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही थी और ऐसा भी नहीं था कि ये लोग रोड पे थे, ये तो रोड से अलग बैठे हुए थे बेचारे। अगर रोड पे होते तो मान सकते हैं कि चलो भाई रोड पे थे, लेकिन रोड से बिल्कुल अलग बैठे हुए थे, यात्री साइड में बैठे हुए थे, यात्री साइड में जाकर उन्होंने टक्कर मारी है। जो एक पंचर जुड़वाने आया था, एक अपनी सेविंग कराने आया था, यहाँ सेविंग का काम होता है और बाइक का पंचर लगाते हैं, तो वो दोनों एक बैठे हुए थे अंदर, बाइक वाला थोड़ा बाहर निकला था थोड़ी देर के लिए ही, तब एक स्कॉर्पियो आई बड़ी स्पीड से इधर से लाठरदेव की साइड से और उसने ये जो प्रतीक्षालय है इसमें टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद इसके पिलर गिरे, पिलर गिरने के बाद लेंटर उनके ऊपर गिर गया जिसमें एक की मौके पर डेथ होगी, एक हॉस्पिटल में शायद। खबर धनौरी से है जहां पर आरटीओ रुड़की ने चेकिंग अभियान चलाया और बता दें कि बहादराबाद मार्ग पर वाहनों की चेकिंग करते हुए वाहनों के चालान काटने के बाद उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया है। तो जुर्माना वसूल करने की ये खबर सामने आई है धनौरी के बहादराबाद से, जहां आरटीओ रुड़की ने चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों की चेकिंग करते हुए वाहनों के चालान भी काटे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।